चलिए चलिए, आज हम फिर से अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ पार्ट रह गए थे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में और जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले है एक्टिव एंसेफलाइटिस एंसेप्टिसीमिया। अगर उसको एंसेफलाइटिस हो, मिड ब्रेन में क्या हो, इन स्वेलिंग हो तो उस कंडीशन में भी, या फिर सेप्टिसीमिया या इन्फेक्शन हो, जैसे सेप्टिसीमिया हो रहा हो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, परफ्यूमेशन हो गया, ब्लड के अंदर का इन्फेक्शन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है, इस कॉर्निया को नहीं लेंगे। या कोई एक्टिव इन्फेक्शन हो, या फंगल एंडोकार्डाइटिस हो रही हो, जो कि ब्रेन, सॉरी हार्ट में क्या है, फंगल एंडोकार्डाइटिस जो मिड लेयर होती है उसमें क्या इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, वो उस कंडीशन में भी हम लोग नहीं लेंगे। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस हो तब भी नहीं लेंगे उसको, एक्टिव वायरल एक्टिव, या फिर रेबीज हो, एक्टिव मतलब उसके अभी हो, खत्म हो गया हो तो नहीं, अभी हो तो कंडीशन में नहीं लेंगे। इसके बाद ल्यूकेमियाज, ब्लड कैंसर हो एक्टिव हो, और लिम्फोमास, लिम्फ नोड्स में क्या हो, कैंसर हो तब भी नहीं ले सकते। ये हाई रिस्क हो एचआईवी की तब भी नहीं ले सकते। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हो तब भी नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिना के अंदर क्या हो, ब्लास्टोमा मतलब वहाँ पर ट्यूमर बन गया हो तब भी नहीं ले सकते, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तब भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसके अलावा ऑकुलर कोई इन्फ्लामेशन हो तब भी नहीं ले सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा कंजेनाइटल या एक्वायर्ड डिसऑर्डर, कोई आई में पहले से, या कोई कंजेनाइटल या एक्वायर्ड डिसऑर्डर चला आ रहा हो तब भी नहीं ले सकते, या कोई पहले इंट्रा ऑकुलर सर्जरी हुई हो, या कोई सिगमेंट की सर्जरी हुई हो तब भी हम इस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं कॉर्निया। देखिए, टिश्यू रिट्राइवर दो तरीके से लेते हैं, बाय सीटू के द्वारा, सीटू मतलब जो कॉर्नियल स्क्लेरा है उसको ही पर्टिकुलर निकाल के उस वहाँ से ऑर्बिटल कैविटी से निकाल के उसी जगह से लेना सीटू, ठीक है। एक है एन्यूलेशन, पूरी आई बॉल को निकाल कर तब उस पूरे आई बॉल को निकालना, कहलाता है एन्यूक्लेरेशन, क्लेरेशन, ठीक है ना, एन्यूक्लेरेशन कहते हैं इसको। रिमूव किया जाता है होल आई को तब उसमें निकाला जाता है, दो तरीके से किया जाता है इसे कॉर्नियल इवेल्यूशन। कॉर्नियल को इवेल्यूशन कैसे करते हैं, कॉर्निया इवेल्यूशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स कॉपी में बस यही मैंने आपको पीछे से बताया वो लिखना है, उसके अलावा मैं और बता दूंगा वो लिखना है आपको, ठीक है ना। कॉर्निया इवेल्यूशन में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया सीटू, किस साइड पे, सैंपल पेन लाइट, सिंपल पेन लाइट एग्जामिनेशन एंड स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एपिथिलियम डिफेक्ट, कोई एपिथिलियम डिफेक्ट तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, देखते हैं एपिथिलियम डिफेक्ट है, ड्राइंग तो नहीं हो रही है, इरोशन मतलब कहीं स्लीव तो नहीं है, या रफिंग तो नहीं हो, स्लोपिंग नहीं तो नहीं है, इस तरह कॉर्नियो एडिमा तो नहीं है, इस तरह की कंडीशन देखते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल कॉर्नियल शेप तो नहीं है, ठीक है, इसका ब्लड तो नहीं है, क्लाउडीनेस तो नहीं हो रही है एंटीरियर चैम्बर में, इस तरह की कंडीशन उसमें कॉर्निया के अंदर, देखते कॉर्निया में स्कारिंग तो नहीं हो रही है, इनफिल्ट्रेट तो नहीं है, इस तरह की कंडीशन इसके अंदर देखा जाता है। अब बात करें स्टोरेज मेथड, कैसे स्टोरेज करते हैं, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत है, स्टोरेज मेथड बस आपको समझने के लिए मैंने पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सब समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखने की वहाँ तक ही बताया, वहाँ तक लिखना है। मॉइस्ट चैम्बर स्टोरेज, पहले सबसे पहले आता है मॉइस्ट चैम्बर स्टोरेज, सिलेक्शन चैम्बर विद द सलाइन एंड एंटी माइक्रो सोल्यूशन, इसका क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं और एंटी माइक्रो सोल्यूशन लेते हैं, इसके बाद इसमें प्लेस करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओनली 4 डिग्री। एडवांटेज की बात करें, कॉर्निया स्ट्रोमल एडिमा एडिमा हो सकता है, और स्टोरेज पीरियड अप टू 24 आवर्स, इसको 24 आवर तक ओनली इस मेथड्स के द्वारा स्टोरेज कर सकते हैं। सेकंड है हाइपोथर्मिक कॉर्नियल स्टोरेज, हाइपोथर्मिक में क्या कहते हैं, एमसी कैरी द कैफू फार्म मीडियम, एम के मीडियम में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, ये प्लस कोई होता होगा सो, ठीक है ना, इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं। एड द डेक्सट्रॉन एंड ऑस्मेटिक सोल्यूशन, उसमें एक ऑस्मेटिक सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, इसको 2 से 3 दिन के लिए कर सकते हैं। ये एम फॉर्मुलेशन है, इसमें यह करता है जो बफर जेंटामाइसिन एंड ये क्या है ना, इसमें ऐड कर देते हैं, बफर कर देते हैं इसको, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जेंटामाइसिन ऐड कर देते हैं, ये 4 दिन तक इसको रखा जा सकता है इस मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट है के सोल्यूशन, एम के फॉर्मुलेशन, इसमें क्या होता है 2.5 किलो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट डाला जाता है, इसको क्या करते हैं स्क्लेरा पर स्टोरेज पीरियड 7 से 10 दिन तक कर सकते हैं, इसका डिस्कवर कॉर्नियल स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें डेक्सॉल और ऑप्टिसॉल भी डाला जाता है, इसके बाद इसको 14 दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं इस मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्मोथर्मिक स्टोरेज सिस्टम, इस नॉर्मोथर्मिक में क्या है, ओरन कल्चर लिया जाता है, इक्यूवेशन एट रूम टेम्परेचर, टेपर
मीडियम, इसमें क्या कहता है, इक्यूबेटेड रूम में जो न्यूट्रिएंट है उसमें मीडियम रखा जाता है, उसके बाद स्टोरेज 30 दिन तक किया जा सकता है। इसमें ग्लास बोतल कंटेनिंग होता है, ग्लास बोतल में इस तरह कंटेनिंग 100 ml ऑफ द जो MEM होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनिमम इसेंशियल मीडियम, जो मीडियम होता है वो होता है अर्ली साल्ट सोल्यूशन होता है। अर्ली साल्ट सोल्यूशन क्या है, पीएच और ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। जैसे कहते हैं अर्ली साल्ट सोल्यूशन, वो क्या है, इस तरह का सोल्यूशन होता है कि पीएच और आपके ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसके बाद इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाला जाता है, ठीक है। बोतल को कल्चर को क्लोज कर दिया जाता है, इक्यूबेटेड ड्राई, और इसको 31 से लेकर 37 डिग्री पर रखा जा सकता है।